हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पीवाईक्यू आप लोग को पढ़ाएंगे, जिसमें कि ये इस पार्ट में सिर्फ एमसीक्यू रहेगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा, फिर लॉन्ग आंसर टाइप का एक क्वेश्चन एक वीडियो आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों को मैच करवाना है, लीडर को और उनके रोल। कौन कौन सा होगा देखते हैं। विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो थे वो इटली के किंग नॉमिनेट किए गए थे, प्रोक्लेम किए गए थे। और ग्यूसेपी मज़िनी जो थे उन्होंने यंग इटली मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ग्यूसेपी गैरिबाल्डी जो थे, ग्यूसेपी गैरिबाल्डी, वो कॉन्क्वायर्ड द किंगडम ऑफ टू सेल्सिस। और काउंट कैबोर चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आंसर द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको ऑर्डर बताना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा उसके बाद हुआ था, फिर कौन सा उसके बाद हुआ था, उसके बाद कौन सा। सबसे पहले नेपोलियनिक वार हुआ था, फिर ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, फिर स्लेव नेशनलिज्म, ऑटोमन एम्पायर। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है, एक बार 2023 में भी पूछा जा चुका है और एक बार 2024 में। तो आप लोग इसके डेट्स भी याद कर लीजिएगा कब कब हुआ था, और इसको भी याद कर लीजिएगा ऑर्डर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में किस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which type of governments were mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon in 1815? Napoleon के हारने के बाद यूरोप में कैसी गवर्नमेंट थी, कौन से लोग थे जो गवर्नमेंट को चला रहे थे। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 1815 के बाद, और 1815 के पहले तो नेपोलियन खुद चला रहा था सारी चीज़ों को फ्रांस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। नेपोलियन को किस कंट्री ने हराया था, किन किन कंट्री ने मिलकर हराया था। तो ब्रिटेन, सबसे पहले ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये चार कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू पे हराया था 1815 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following events marked the first liberalist nationalist upheaval in Europe? तो सबसे पहला इवेंट यूरोप का कौन सा था जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से लिबरलिज्म आया, नेशनलिज्म आया। तो पहली कंट्री थी यूरोप की फ्रांस, सबसे पहले यहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसके बाद हर जगह पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। सातवां क्वेश्चन देखिए। Who among the following remarked when France sneezes the rest of Europe catches cold? ये वर्ड किसने कहा था, ये सेंटेंस किसने कहा था, when France sneezes the rest of Europe catches cold? तो मैटरनिक ने ये कहा था ये सेंटेंस। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the architect for the unification of Germany? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के आर्किटेक्ट कौन थे, ऑटोमन बिस्मार्क थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैड साउट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम टू यूनाइट द इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830? तो सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई थी कि इटली को आज़ाद कराना है, इटली को इंडिपेंडेंट कराना है, इटली को रिपब्लिक बनाना है। तो सबसे पहले ग्यूसेपी मज़िनी ने यह आवाज़ उठाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Who among the following was proclaimed
किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? तो विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है बोर्ड में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 1861 यूनाइटेड इटली का जो किंग था वो विक्टर इमैनुअल सेकंड को चूज किया गया था। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है, और इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। असर्शन पढ़ते हैं पहले। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज ऑन इट्स पीपल। जब रशिया का डोमिनेंस था पोलैंड पर, तब रशियन लैंग्वेज पोलिश लोगों से बुलवाया जाता था, कि जबरी कहा जाता था उनसे कि आप बोलिए, आप रशियन लैंग्वेज बोलिए, आपको पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलना है। और उसके बाद क्या होता है, द यूज ऑफ पोलिश सून केम टू बी अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तब जो पोलिश लैंग्वेज था, जो पोलिश कल्चर था, जो पोलिश के लोग थे पोलैंड के, वो एक सिंबल बना किसके लिए, स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस के लिए। जो रशिया की डोमिनेंसी थी, जो रशिया राज कर रहा था उनके ऊपर, तो उसके लिए एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। किसकी वजह से, पोलिश लैंग्वेज की वजह से, पोलिश कल्चर की वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन चारों में से आपको सही बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें सही है एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर। 1848 में कौन कौन सी चीज़ें स्टार्ट की गई थी और कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी, कैसे रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, उन चीज़ों को बताना है। तो ये तीन आपका सही है। फर्स्ट, एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। इसके दो क्वेश्चन आएंगे, असर्शन और रीजन के आपके दो क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। असर्शन, वीवर इन सिलिसिया हैड लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1848। जो सिलिसिया के जो वीवर्स थे, बुनाई करने वाले जो लोग थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स हैड रिड्यूस्ड देयर पेमेंट, और उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने रिड्यूस किया। तो असर्शन रीजन में ये कह रहा है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डिड द न्यू जर्मनी प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स आपको बताने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं जिसकी वजह से जर्मनी स्ट्रांग बन रहा था। तो कौन कौन से वो मेन रीजन कौन कौन से हैं। मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को मॉडर्नाइज कर रहा था, बैंकिंग की वजह से और लीगल सिस्टम की वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस।
तो कौन सा ऐसा इटालियन स्टेट था जो कि इटालियन प्रिंस द्वारा चलाया जा रहा था? तो सार्डिनिया पिडिमोंट था, बाकी इटली के सारे स्टेट पर अदर अदर लोग राज कर रहे थे अदर अदर एम्पायर के, लेकिन जो सार्डिनिया पिडिमोंट इटली का जो पार्ट था वहाँ पे इटालियन प्रिंस था। तो यही पूछना चाह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवोर एमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है? काउंट कैवोर का। काउंट कैवोर जो कि चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ गए थे? इटली के चीफ मिनिस्टर थे जब इटली यूनिफाइड नहीं था तब। तो इसका ही वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, ही वॉज अ टैक्टफुल डिप्लोमैट। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, ये गलत है। ही बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, तो सेकेंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फिर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए असर्शन, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल, एथनिक ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन आपका सही है लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच एमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन 19th century। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द पॉपुलर लाइन। ये पॉपुलर लाइन किसके द्वारा बोला गया है, ये क्वेश्चन अभी आप पीछे पढ़े हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो ये आप जानते ही हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन था यूरोप का, यूरोप का क्या हर जगह का, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट रिवॉल्यूशन माना जाता है फ्रांस का। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, DPR क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। इसकी पहले वीडियो में हमने आपको MCQ पढ़ाया था, इस वीडियो में हम आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ आंसर्स, और उसके बाद एक वीडियो आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। तो ऐसे चार पार्ट में हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे, और बाद में इसका आपको कंबाइंड वीडियो भी हम दे देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century। जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th century में। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंग द ग्रीक्स विच बिगैन इन 1821। तो जो नेशनलिज्म यूरोप में हो रहा था 1821 के टाइम पे, उसका ग्रीक पर यह असर पड़ा कि वो भी एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहता था। जो ग्रीक के लोग थे
वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे। और जो वहाँ के पोएट हैं, बहुत फेमस पोएट हैं, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। लॉर्ड बैरन फंड ऑर्गेनाइज करते हैं वॉर के लिए और वो खुद भी जाते हैं लड़ने। लड़ने क्या मतलब, रिवोल्ट करने, रिवॉल्यूशनरीज में वो शामिल होते हैं और फिर वो फीवर की वजह से मर जाते हैं। कब? 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832। फाइनली जो रिस्पॉन्स आता है इन चीज़ों का, जो भी नेशनलिज्म और रिवॉल्यूशन होते हैं ग्रीस में, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के तहत ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। किस सन में? 1832 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। हाउ डिड अ न्यू ब्रिटिश नेशन फॉर्म्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस? एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कि ब्रिटेन जो था वो एक इंडिपेंडेंट नेशन कैसे बनता है। थ्रू द स्प्रेड ऑफ प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश कल्चर अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज क्रिएटेड। द एंशियंट नेशंस ओनली सर्वाइव्ड एज सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन बिकॉज द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल सॉन्ग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्सटेंसिवली प्रमोटेड। वहाँ पे ब्रिटिश फ्लैग जो नेशनल सॉन्ग था और जो इंग्लिश लैंग्वेज था वो प्रमोट किया जा रहा था। किसके थ्रू? जो ब्रिटिश के लोग थे उनके थ्रू प्रमोट किया जा रहा था। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। बहुत लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो इंग्लिश पार्लियामेंट था वो मोनार्की की पावर को सीज कर देता है। कब सीज करता है? 1688 में। वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एज इट्स सेंटर केम टू बी फोर्स। और इसका जो परिणाम आता है कि इंग्लैंड जो होता है वो एक सेंटर बन जाता है। किसका? एक नेशन स्टेट का, ब्रिटिश का एक सेंटर बन जाता है, ब्रिटेन का। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ये समझौता होता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक अलग कंट्री और इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में दो बातें आपको बतानी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द बार्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज रिस्टोर टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ ऐसा होता है कि नेपोलियन के हारने के बाद, नेपोलियन जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हार जाता है ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया से, तो ये कंट्रीज फ्रांस के लिए एक ट्रीटी साइन करती हैं जिसमें कि फ्रांस की जो मोनार्कियल पावर थी उसको रिस्टोर किया जाता है। और अगला पढ़ते हैं। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस के बॉर्डर पर कुछ सिटी डेवलप किए जाते हैं ताकि फ्रांस का फ्यूचर एक्सपेंशन न हो सके। दस द एक्सपेंशन ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम। नीदरलैंड और बेल्जियम को कहाँ सेट किया जाता है? फ्रांस के नॉर्थ में। और जिनुआ जो होता है वॉज एडेड टू पिडीमोंट इन द
साउथ। तो ये बातें थी ट्रीटी ऑफ वियना के लिए, ये तीन बातें आपको याद रखनी है। इसका मतलब आपको रटा होना चाहिए ताकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यहाँ पे तीन दिया है वहां पे आप छह पॉइंट बना के इसको लिख सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, नेम द सिविल कोड ऑफ 1804 विच एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी इन फ्रांस। सिविल कोड ऑफ 1804 जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? ये नेपोलियनिक कोड है जो कि नेपोलियन द्वारा लाया गया था। इसका एक नाम तो नेपोलियनिक कोड है और एक नाम है सिविल कोड ऑफ 1804। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर साल। ये 2020 का क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन और 2024 में असर्शन रीजनिंग में रीजन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नेम द कस्टम यूनियन फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया इन 1834। तो पर्सिया के द्वारा जो कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया था 1834 में उसका नाम बताना है आपको। उसका नाम जोलवरीन है, जोलवरीन। ये क्वेश्चन भी आपका 2020 में पूछा गया है। नेम द एक्ट विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक ही क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये एक्ट अभी आप पढ़े हैं पीछे, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। एक्सप्लेन द एम टू फॉर्म जोलवरीन अ कस्टम यूनियन इन 1834 इन जर्मनी। तो जो कस्टम यूनियन जर्मनी के द्वारा लाया गया था पर्सिया के द्वारा, वो क्यों लाया गया था, उसका मेन पर्पस क्या था? जोलवरीन वॉज अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 32 to 2। जो टैरिफ मतलब जो टैक्सेस लगाए जाते थे उसको घटा दिया गया या रोक दिया गया, और जो करेंसीज थी मतलब हर एक जगह पर एक अलग करेंसी चलती थी तो उसको 30 से कम करके 2 पे ला दिया गया। मोस्ट जर्मन स्टेट ज्वाइन द जोलवरीन, और जो मोस्ट जर्मन स्टेट जो थी वो जोलवरीन को ज्वाइन करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाई वर बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन इन 1885। बर्लिन में जो बिग यूरोपियन पावर थे वो बर्लिन में क्यों मिलते हैं 1885 में? ऑल द मेजर यूरोपियन स्टेट्स वर इनवाइटेड इन बर्लिन कॉन्फ्रेंस इन 1885। सारे मेजर यूरोपियन स्टेट जो थे वो बुलाए जाते हैं बर्लिन कॉन्फ्रेंस में 1885 में। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाई ऑटोवन बिस्मार्क। और ये जो कॉन्फ्रेंस था वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? ऑटोवन बिस्मार्क के द्वारा बुलाया जाता है, फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी। द यूरोपियन पावर्स मेड टू डिसाइड द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका एमंग देम। तो कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका एमंग देम मतलब अफ्रीका के विभाजन के बारे में ये लोग निर्णय लेने के लिए बर्लिन में बुलाए जाते हैं कि उसको अलग करना है तो कैसे करना है, उसका क्या रूल रहेगा, इन सब चीज़ों के लिए बुलाए जाते हैं। द स्टेट्स वर जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन। एंड अफ्रीकन वॉज इन्वाइटेड टू दिस कॉन्फ्रेंस, और अफ्रीकन को भी बुलाया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। 2016 का क्वेश्चन है, इसके पहले हम आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पढ़ा चुके हैं। तो मैटरनिक सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस
कोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स इन जनवरी 1871। 18 जनवरी 1871 ये डेट आपको याद रखना है। किंग विलियम फर्स्ट ऑफ पर्सिया वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। इसमें तीन चार पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, या तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, या तो शॉर्ट में पूछा जाएगा, या तो लॉन्ग में पूछा जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किंग विलियम फर्स्ट जो कि प्रोक्लेम किए जाते हैं जर्मनी के एम्परर, और जनवरी 1871, और सेरेमनी कहाँ हुई थी, वर्साइल्स में हुई थी। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब। विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। ये ईयर भी आपको याद रखना है और विक्टर इमैनुअल सेकेंड भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये अभी आपको हम पढ़ाए हैं, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1830 to 1848। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए हैं लॉन्ग आंसर में, द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मोबिलाइज मतलब एकाकृत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑफ यूरोप ड्यूरिंग ईयर्स फॉलोइंग 1815। मेन एम ऑफ रिवॉल्यूशनरीज वाज टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो 1815 के टाइम के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका मेन एम क्या था, तो उनका मेन एम यही था कि अपोज करना था मोनार्कियल पावर जो थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था उसका अपोज करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो 19th सेंचुरी में जो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म था उसको एक्सप्लेन करना है आपको। देखते हैं क्या क्या था, द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अलाइड विद द नेशनलिज्म इन द फॉलोइंग वेज। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। इट इम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट मतलब लोगों की सहमति से सरकार। इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। इट बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो ये चीज़ें हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब एनी थ्री मेजर दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। तो कौन कौन से ऐसे आइडियाज थे, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन कौन से ऐसे आइडियाज थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आती थी, अपनापन जिसे कहते हैं। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड एंड ला सिटुएन द सिटीजन इम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन।
पहला जो था ला पैट्री का आइडिया और ला सिटोइन का आइडिया, और दूसरा अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया। द ई स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। जो ई स्टेट जनरल था पहले, उसके लोगों को वहाँ के मतलब सिटीजन ने वहाँ के लोगों को सेलेक्ट किया जो उसमें बैठते हैं, और उसका नाम क्या रखा, नेशनल असेंबली। जैसे हम लोग चूज़ करते हैं एमपी और एमएलए को, उसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, तो वैसे ही वहाँ के लोग भी चूज़ करते होंगे एमपी एमएलए को, जिसको भी, तो उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। न्यू आइंस वर कम्पोज ओथ्स टेकन एंड मार्टियर कॉमेमोरेटेड, जो शहीद थे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नाम पर। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स विद इन इट टेरिटरी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज एडॉप्टेड। रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे आपको टोटल 7 पॉइंट्स बताए हमने, लेकिन कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ब्रदर्स ऑफ जर्मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कंपाइलिंग द टेक्स्ट फॉर चिल्ड्रेन। ग्रीम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कंपाइलिंग द टेक्स्ट फॉर द चिल्ड्रेन इन फॉर्म ऑफ फोक टेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। व्हाट वॉज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज एम्ड एट द एबॉलिशन ऑफ मोनार्की, फाउंडेशन ऑफ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लिबरेशन ऑफ पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिक्टेटरशिप, ड्राफ्टिंग ऑफ अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, ATC। जो मेन एम इनका था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का, वो क्या था, एबॉलिशन ऑफ मोनार्की था, फाउंडेशन ऑफ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लिबरेशन एंड ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिक्टेटरशिप, ड्राफ्टिंग ऑफ अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पूरी तरह से ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये राजा महाराजा से दब के नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट अकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप। तो रिवॉल्यूशन की वजह से कौन से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुए फ्रांस में। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू ट्रांसफर ऑफ सुवर्निटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो पावर था वो मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन के पास आ गया, ये इसका फायदा हुआ फ्रेंच के लोगों को। हेलो दोस्तों, DPR क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। इसमें जो PYQ क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटोन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऑटोन बिस्मार्क का क्या रोल है यूनिफिकेशन की जर्मनी में, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ऑटोन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्सिया वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन प्रोसेस विच ही कैरिड आउट विद द असिस्टेंस ऑफ द पर्सियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ऑटोन बिस्मार्क जो हैं वो पर्सिया के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो आर्किटेक्ट भी हैं यूनिफिकेशन प्रोसेस की, और वो
जर्मनी का यूनिफिकेशन कराने के लिए किसकी किसकी मदद लेते हैं? पर्शियन आर्मी की मदद लेते हैं और ब्यूरोक्रेसी की मदद लेते हैं। थ्री वॉर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस वर वॉन बाय पर्शिया एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग जर्मनी। तो तीन वॉर लड़ता है जर्मनी, किससे किससे लड़ता है? ऑस्ट्रिया से लड़ता है, डेनमार्क से लड़ता है और फ्रांस से लड़ता है। कितने साल तक? 7 साल तक, जिसमें वो तीनों वॉर जो है जीत जाता है। और 1871 इन जनवरी 1871 द पर्सियन विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। और लास्ट में जो सेरेमनी वर्साइल्स में होती है उसमें पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट को जर्मनी का किंग बना दिया जाता है। कब? 1871 में, जनवरी 1871 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप दैट प्रिवेल्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 1930s। तो इकोनॉमिक हार्डशिप को आपको एक्सप्लेन करना है जो कि यूरोप में होता है। कब होता है? 1930 में। ये ईयर आपको याद रखने चाहिए सारे ईयर। और ये क्वेश्चन कब कहाँ पूछा गया है? सीबीएसई में आउटसाइड दिल्ली सेट फर्स्ट 2019 का क्वेश्चन है। देखते हैं आंसर क्या है इसका। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप वर फेस्ड बाय द पीपल ऑफ यूरोप इन 1930s। सम ऑफ द डिफिकल्टीज दैट दे फेस्ड वर। तो 1930 में यूरोप में एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आता है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। द रेशियो ऑफ द राइज ऑफ पॉपुलेशन वॉज लार्जर देन दैट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पीपुल फ्रॉम रूरल एरियाज वर माइग्रेटिंग टू सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच वॉज नॉट इजली अवेलेबल बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग। तो 1930s के टाइम पे वहाँ की पॉपुलेशन जो है बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट कम रहता है, इसकी वजह से ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आता है। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स स्पेशली टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज वर ऑफन ओवरथ्रोन बाय द चीप मशीन्स। जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनको कौन रिप्लेस कर देता है? जो मशीनरी आती हैं, टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनके द्वारा उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से दे फेस्ड स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड। उसकी वजह से उनको मशीन से कॉम्पिटिशन लेना पड़ता है जिसको कि वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। पीजेंट स्टिल सफर्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन इन सम रीजन्स ऑफ यूरोप। राइज ऑफ गुड प्राइजेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन द कंट्री। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हैड नेपोलियोनिक कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। नेपोलियोनिक कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। पहले देख लेते हैं कि नेपोलियोनिक कोड है क्या, ये क्या चीज़ है, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इट डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इट एस्टेब्लिशेस इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, एबॉलिश्ड फ्यूडल ड्यूज। तो इसके चार पॉइंट आपको ये याद रखने हैं पहले, और आगे का हम लोग देखते हैं। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफिशियंट। इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, पीजेंट्स, आर्टिसियंस एंड वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a new found freedom. Businessmen and small scale producers of goods and particular began to realize that uniform laws
standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods of capital from one region to another. तो इसमें आपको यही बताना चाह रहा है कि नेपोलियन ने मोनार्की हटा दिया था और उसके जगह पे डेमोक्रेसी लाया था, जिसकी वजह से लोग अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे, उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी था, उसने जो करेंसीज थी, जो ज़्यादा करेंसीज थी जो एक्सचेंज होती थी उसको कम कर दिया कि एक ही करेंसी पूरे कंट्री में चलेगी अब, और एक्सचेंज ऑफ गुड, हर सारी चीज़ें आसान हो गई। लेकिन लास्ट में नेपोलियन कुछ चीज़ें ऐसी करता है कि जो लोगों को नहीं अच्छा लगता है। क्या करता है वो, लोगों को जबरी मिलिट्री में भर्ती करवाने लगता है उनके इच्छा के विरुद्ध, तो इसकी वजह से नेपोलियन हार जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब एनी थ्री इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830। कोई तीन पॉइंट आपको लिखने हैं इसमें, यहाँ पे चार दिए हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन एंड प्राइस राइज, स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट बिकॉज ऑफ चीप मशीन्स, बैड कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब एनी थ्री स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। तो कोई तीन ऐसे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आपको बताने हैं जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो थे वो अप्लाई करते हैं कंट्री को यूनिफाइड करने के लिए, कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या है, थ्री स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इन 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंग द फ्रेंच पीपल वर द आइडियाज ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड एंड लॉ सिटोयन द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ पैट्री का कॉन्सेप्ट आया, लॉ सिटोयन का कॉन्सेप्ट आया, क्यों आया, कंट्री को यूनिफाइड बनाने के लिए। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, फ्लैग लाया गया ट्राई कलर। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरेटरी। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, जिसको कि आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फ्रांस में। और अगला पॉइंट देखते हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, जो भी उधार था लोगों के ऊपर उसको हटा दिया जाता है। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, एनालाइज द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स। नेपोलियन ने क्या क्या किया था उन्हीं चीज़ों को आपको बताना है। द सिविल कोड ऑफ 1804, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियनिक कोड और नेपोलियन, ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड, स्प्रेड टू ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी। फ्रांस के साथ साथ इन तीन देशों में भी स्प्रेड होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द नेपोलियनिक कोड डिड अवे विथ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जितने भी राजा महाराजा प्रिविलेजेस को इंजॉय कर रहे थे, इस्टेब्लिश इक्वालिटी, प्रिविलेजेस को हटा दिया जाता है और इक्वालिटी इस्टेब्लिश किया जाता है कि सारे लोग एक समान हैं बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, देयर बाई एबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद व्यवस्था जो थी उसको हटा देता है। ही फ्रीड द पीजेंट्स एंड अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज इन द टाउन्स टू, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इम्प्रूव्ड एंड पीजेंट्स आर्टिसियंस वर्कर्स एंड बिजनेसमैन आर इंजॉइंग द फ्रीडम।
ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या, दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बार बार रिपीट होते दिख रहे हैं इस वीडियोस में, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तब रिपीट हो रहे हैं। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आउटसाइड दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हैड द फीमेल फिगर्स बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप। फीमेल फिगर के बारे में आपको बताना है, जैसे इंडिया में भारत माता एक फीमेल फिगर है, जर्मनी में जर्मेनिया एक फीमेल फिगर है, तो उसी के बारे में आपको बताना है। नेशनलिज्म रिक्वायर्ड पर्सोनलाइजिंग और नेशन। कंट्रीज वर ऑफन पोर्ट्रेड एज फीमेल टू गिव अ शेप टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ऑफन कल्चरल आइकन्स सच एज लिबर्टी एंड जस्टिस नीडेड आइकन्स एंड प्रीफरेबली फीमेल फिगर्स टू गेट द मैसेज अक्रॉस। द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। फॉर एग्जाम्पल अंडर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। लेटर इन फ्रांस मारियाने इमर्ज्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रांस। हर फीचर्स वर ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। सी वोर अ रेड कैप विद द ट्राई कलर कोकेड। तो ये चीजें हैं, आपको एक बार पढ़ लेना है इसको। बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं बोर्ड में। कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से देख लीजिए, जैसे फ्रांस में कौन था, मारियाने, और जर्मनी में कौन था, जर्मेनिया, इंडिया में कौन है, भारत माता। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप। एक्सप्लेन, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे डेवलप होता है कल्चर के थ्रू। आंसर देखते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, नेशनलिज्म डेवलप्ड थ्रू कल्चर इन यूरोप एज कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोएट्री स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। आर्ट पोएट्री स्टोरीज के और म्यूजिक के थ्रू नेशन यूनिटी फील किया जाता है, नेशनलिस्ट फीलिंग आती है। रोमांटिसिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। सारी चीजें आप अभी पढ़े हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। न्यू आयंस ओथ्स एंड मार्टियर्स वर कॉमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ नेशन। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेड एंड यूनिफॉर्म लॉज फॉर द एंटायर नेशन। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड द इंडियन। ये तीनों पॉइंट्स आपने गलत, ये इंडिया से रिलेट कर दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार हम आपको डिस्कस कर देते हैं पिछला स्लाइड देख के। द आइडियाज ऑफ लॉ पैट्री द फादरलैंड एंड लॉ सिटोन द सिटीजन इम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग लीगल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड। इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल belonging to other parts of Europe।
Students and other members of educated middle class began to set up Jacobin clubs. जो स्टूडेंट थे और अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो मेंबर्स थे उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट किया. देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज. द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, दस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और इन चीज़ों को आप कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे ज़रूर. हेलो दोस्तों, DPR क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में. जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाउ डिड आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एक्सप्लेन. ये क्वेश्चन CBSE दिल्ली में पूछा गया है, सेट 1, 2020. The ideas of national unity in early 19th century Europe allied to the ideology of liberalism because of the following reasons. Liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before law. Liberalism emphasized on the concept of government by consent. Liberalism stood for the end of autocracy and clerical privileges. Liberalism believed in the कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. इस क्वेश्चन से रिलेटेड चार मेन पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको याद कर लेने हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप. द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप are discussed below. Greek nationalists received support from other Greeks living in exile. Many Western Europeans had a natural sympathy due to the ancient Greek culture. Greece was viewed as a part of Europe that had been annexed by Ottomans and now needed to be liberated. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in war. The Treaty of Constantinople of 1832 ऑर्गेनाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किए थे और वो वॉर में भी गए थे, लेकिन वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी बुखार की वजह से. और लास्ट में जो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल जो आता है 1832 में, उसके द्वारा ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है. ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? दिल्ली, CBSE दिल्ली, सेट 1, 2020. अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन बाल्कन्स आफ्टर 1871 इन यूरोप. बाल्कन्स के बारे में, जो बाल्कन स्टेट थे उनके बारे में आपको डिस्कस करना है. ये इवेंट कब हुआ था? 1871 में हुआ था. आफ्टर 1871 एक्सप्लोजिव कंडीशन प्रिवेल्ड इन बाल्कन्स एरिया इन यूरोप. द बाल्कन्स वर अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. यहाँ पर ये सारी कंट्री थी, बाल्कन स्टेट्स की सारी कंट्रीज हैं. In the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but very little success. 19th century में जो Ottoman Empire था वो अपने आप को मजबूत बनाना चाहता था और चाहता था कि ज़्यादा एरिया अपने Ottoman Empire में मिला ले. One by one, its European subject nationalities broke away from its control and declared their own independence.
एक एक करके जो सारे स्टेट थे, जो सारी कंट्री थी, वो ऑटोमन एम्पायर से अलग होने लगी और अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन बना ली। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुकेटेड बाई फॉरेन पावर्स। हेंस द रिबेलियस नेशनैलिटीज इन द बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल एंड देयर अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस विच कन्वर्टेड टू द रीजन इन टू अ बैटल ग्राउंड। तो जो बाल्कन स्टेट्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंस कराने की वजह से उनका जो कंट्री था वो एक बैटल ग्राउंड बन गया था, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वहाँ पे होने लगे थे। तो नेशनलिस्ट फीलिंग जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगता है इन सब चीज़ों की वजह से तो उसको इंपेरियलिज्म नाम दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है सब। इट इज़ ट्रू दैट द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। टिल 1789 फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। 1789 के पहले जो फ्रांस था वो राजा महाराजा के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, राजा महाराजाओं का शासन चलता था वहाँ पे। लेकिन 1789 फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐसा था कि जब फ्रांस के लोग रिवॉल्यूशन स्टार्ट किए, क्रांति आई फ्रांस में। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम ड्यूरिंग द राइज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपुल हु वुड हेंस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। फ्रॉम द बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द फ्रेंच पीपल। द कम्युनिटी वॉज एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन का कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग की वहाँ पे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आई लोगों के अंदर, एकता की भावना लोगों के अंदर कैसे आई। तीसरा पॉइंट है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। द ई स्टेट असेंबली वॉज डिल्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। वहाँ की जो ई स्टेट जनरल थी, ई स्टेट जनरल जिसे कहा जाता था, वो एक्टिव सिटीजन के द्वारा हटा दिया गया और उसको रीनेम किया गया किसके द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स वर कॉमेमोरेटेड। नए ओथ्स लिए गए और जो शहीद थे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो वहाँ का कॉमन लैंग्वेज हो गया। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट दे वुड हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम फ्री नेशन। और जो रिवॉल्यूशनरीज थे फ्रांस के, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो और कंट्रीज की भी हेल्प करेंगे इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में। वेन द न्यूज ऑफ द इवेंट ऑफ फ्रांस रीच डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेम्बर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगैन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। और जब ये बात अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को और बिजनेसमैन्स को पता चली तो उन्होंने अपना एक अलग जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट किया। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मे मूव्ड इन टू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। मतलब जब फ्रांस आज़ाद हो गया तो वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के भी कुछ बहुत हद तक हेल्प किया इंडिपेंडेंट बनाने में। दस विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स नेशनलिज्म स्प्रेड इन द एंटायर यूरोप। और फ्रांस की वजह से सारे कंट्रीज में नेशनलिज्म आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815। एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी। जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था फ्रांस को लेकर 1815 में, उसका मेन पर्पस बताना है आपको और कौन स्टार्ट किया था इसको।
In 1815, representative of the European powers, Britain, Russia, Persia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna Congress. जो main countries थी, चार countries जिन्होंने Napoleon को हराया था, कौन कौन सी countries थी? Britain, Russia, Persia और Austria. Who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna Congress. वो Vienna Congress पे मिलते हैं. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. ये Congress किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा start किया गया था? Duke Metternich द्वारा. The delegates drew up the treaty. The Bourbon dynasty, which was deposed during the French Revolution, was restored to power. जो monarchy थी, जो Bourbon dynasty थी, जो कि Napoleon द्वारा उखाड़ के फेंक दी गई थी, तो उसको restore करने के लिए ये treaty बुलाई गई थी. Describe the process of unification of Germany. Unification of Germany कैसे हुआ, उसको एक्सप्लेन करना है. फ्रॉम 1848 नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर स्प्रेड एमंग द जर्मन नेशनलिस्ट एज द कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वेरीफाइड. दे वर सप्रेस्ड बाय एरिस्टोक्रेटिक रूलर्स एंड मिलिट्री हु वर सपोर्टेड बाय पर्शियन फार्मर्स. लेटर पर्सिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट. इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटोन बिस्मार्क हैड आर्किटेक्टेड द प्रोसेस. इसका जो प्रोसेस था, जर्मनी को यूनिफाई करने का जो प्रोसेस था, वो किसके हाथ में था? ऑटोन बिस्मार्क के हाथ में था. इन 7 years ही हैड फॉट 3 wars विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. और 7 सालों में, पिछले 7 सालों में ऑटोन बिस्मार्क ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी. किससे किससे? ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से, जिसमें कि तीनों लड़ाइयाँ जीत गए, पर्सिया जीत गई तीनों वॉर. दिस वे जर्मनी वॉज यूनिफाइड विथ विलियम फर्स्ट एज द जर्मन एम्परर इन जनवरी 1871. तो इस प्रोसेस से जो जर्मनी का पहला एम्परर था वो विलियम फर्स्ट को बनाया गया. जर्मन एम्परर कब बनाया गया? जनवरी 1871 में. अगला क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. यूनिफिकेशन ऑफ इटली प्रोसेस डिस्क्राइब करना है. द यूनिफिकेशन ऑफ इटली ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states. 19th सेंचुरी में इटली जो था वो 7 अलग अलग राज्यों में, कंट्रीज में, जो भी आप कह लीजिए, मतलब 7 अलग अलग राजा वहाँ पर राज करते थे इटली में. ड्यूरिंग 1830 मजीनी डिसाइडेड टू यूनाइट इटली. 1830 में गुसिपी मजीनी ने इटली को डिवाइड कर यूनाइट करने का सोचा. ही फाउंड अ सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली टू अचीव हिज गोल. इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, किस नाम से? यंग इटली नाम से, उनका गोल अचीव करने के लिए. आफ्टर अर्लियर फेलियर्स इन 1831 एंड 1848 किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वॉर्स. ये काम इनको सौंपा गया विक्टर इमैनुअल सेकेंड को, कि आप जो अलग अलग स्टेट्स हैं इटली के, उनसे वॉर करिए और उसको इटली में मिलाइए. थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस बाय कैवोर, काउंट कैवोर, सार्डिया पीडिमोंट ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859. जो सार्डिनिया पीडिमोंट था, ये काउंट कैवोर ने जीता ऑस्ट्रियन फोर्सेस से. कब जीता? 1859 में. अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपी गैरिबाल्डी आर्म फोर्स्ड volunteers marched into South Italy and the Kingdom of Two Sicilies in 1860. He succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed as the King of United Italy. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Describe the process of unification of Britain. In Britain, the formation of nation states was result of long drawn out process. Primary identities, the people were ethnic ones. All the ethnic groups such as English, Welsh, Scot or Irish and their own cultural, political traditions. The English nation steadily grew in wealth and power. तो ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग पाए जाते थे. इंग्लिश पाए जाते थे, वेल्स पाए जाते थे,
स्कॉट पाए जाते थे, आयरिश पाए जाते और इनका खुद का कल्चर होता था। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ था, इसके तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को इंडिपेंडेंट बना दिया गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई द इंग्लिश वाइल स्कॉटिश इन्फ्लुएंस वॉज ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड। दिस सिचुएशन लेड टू मेनी रिवॉल्ट वाइल द ओल्डर नेशंस वर रिड्यूस्ड टू द सबऑर्डिनेट पार्ट इन द अरेंजमेंट। ब्रिटिश फ्लैग एंड एंथम वर प्रोमोटेड इन ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन के बारे में सारी बातें थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।